friends, welcome to All Exam Place. My name is Mahima and this is the third video of Mathematics for GATE. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज मैं समझाऊंगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक सिस्टम होता है जिसमें m इंटू n नंबर्स होते हैं और वो रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में होता है. ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर. मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं A से. m इंटू n, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यहाँ m रोज़ को रोज़ होता है और n कॉलम्स होता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. यहाँ पे मैं बता रही हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्या होता है? स्केलर को मैं k से डिनोट करूँगी. स्केलर कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमरल हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, न्यूमरल के फॉर्म में. ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स, ये हो गया मेरा स्केलर. ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी इनटू मैट्रिक्स, दोनों के वैल्यू सेम होगी. ठीक है, जैसा कि अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि बी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स हो, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. ठीक है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात होती थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, के एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू के इज इक्वल टू के इंटू ए. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको. Let A be a matrix of two rows and three column and its elements are 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं. 1, 4, 3, 7 मैंने लिया है. ठीक है, ये कितने हैं, इसमें दो रो हैं तो मैं 2 लिख दूंगी. कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होते हैं. रोज क्या होते हैं, हॉरिजेंटल्स लाइन होते हैं. तो कॉलम कितना है इसमें, 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 हो गए. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या लेंगी मैं, फॉर एग्जांपल 3 ले लेती हूँ. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है के इनटू ए. मेरा के क्या है, 3 है, 3 मैंने यहाँ लिख लिया. और ये मैट्रिक्स मेरा है 2×3 मैट्रिक्स. ठीक है, अब मैंने ये कर दिया. अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ये जो स्केलर क्वांटिटी है 3, उसको इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है, 3×1 3, 3×2 6, 3×3 9. ठीक है, 3×4 12, 3×3 9 एंड 7×3 21. ये हो गया मेरा मैट्रिक्स. तो यही कहलाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी. ये काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है. जो स्केलर क्वांटिटी दी रहेगी मैट्रिक्स के बाहर, उसे हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल मैंने जो लिखा है ए इंटू के इज इक्वल टू के इंटू ए, तो के इंटू ए तो मैंने कर लिया. अब ए इंटू के करते हैं, सॉरी ये मैंने ए इंटू के किया है, के इंटू ए था ये मेरा, जिसमें ये के है और ये मैट्रिक्स ए है. ठीक है, अब क्या करना है, ए इंटू के, तो ए मेरा मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 3, 7 और के मेरा क्या है, 3 है. तो इसमें भी वही चीज़ होगा, चाहे ये स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के पहले हो या बाद हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उस स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देना है. तो अगेन इसको 3, 6, 9, 12, 9, 21, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे के इंटू ए करे, ए इंटू के करे, मैट्रिक्स सेम रहेगी. ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. कुछ प्रॉपर्टीज़, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ये के स्केलर क्वांटिटी है, ए और बी मेरा मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मैंने लिखा है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है पहले ए से मल्टीप्लाई होगा फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि हम करते हैं ब्रैकेट हटता है और दो एलिमेंट्स रहती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स दिया है हमारा और यहाँ पे कुछ भी दी हुई है 12x प्लस एनीथिंग 7y, तो हम क्या करते थे, ऑब्वियसली बात है ब्रैकेट के बाहर रहता तो हम इसे मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे लिखते थे 12x स्क्वायर प्लस है ना 7xy। तो क्या होता था, ये जो एलिमेंट है ये ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता था। तो सेम केस होता है मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। ये के मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ए और बी मेरा मैट्रिसेस है, ठीक है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये और भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स मैंने लिया, इसे मैं ले लेती हूँ 1 2 3 1 1 1, ठीक है। और मैं एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ बी, जिसके एलिमेंट्स है 4 3 2 1 1 1। ये दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया, अब क्या करना है, और एक एलिमेंट ले लेते हैं के, के को क्या लेते हैं, के को चलिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स ए, फिर 4 इंटू मैट्रिक्स ए, फिर प्लस मैट्रिक्स बी, ये करना है अपन को, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए मेरा क्या है, 1 2 3 1 1 1 प्लस मैट्रिक्स बी क्या है मेरा, 4 3 2 1 1 1। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी लिया है, ये दोनों 2 × 3 मैट्रिक्स हैं, दोनों में दो रो है और 3 कॉलम है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी, दोनों के रोज़ और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम अनइक्वल है तो वो एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 × 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 3 का मैट्रिक्स है, तभी इन दोनों के बीच में एडिशन हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 × 3 का लिया है दोनों, ये 2 × 2 का भी हो सकता है, 4 × 4 का भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 1 + 4 5 2 + 3 5 3 + 2 5 फिर 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2। ये आ गया मेरा a प्लस बी, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, अब ये मेरा आ गया इस फॉर्म में, k हो गया बाहर स्केलर, ठीक है, और ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 4 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 20 20, और ये हो गया 8 8 8। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, k इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स का क्या आ गया मेरा रिजल्टेंट, मेरा रिजल्टेंट आ गया 20 20 20 8 8 8, ये आ गया मेरा रिजल्टेंट इसका। अब क्या करना है, ये तो मेरा हो गई LHS की बात हो गई, ठीक है। अब करेंगे RHS, ठीक है। RHS में क्या है मेरा, ये हो गई LHS की बात, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। LHS की आ गई मेरी 20 20 20 8 8, ये हो गई मेरी LHS। अब मुझे क्या करना है, जो K मेरी दी हुई है 4, ठीक है, उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो K की वैल्यू है उसको बी मैट्रिक्स से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है और देखना है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 4 इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 3 1 1 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 12 4 4 4, ये हो गया मेरा के ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, के बी, यानी इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा मेरा, 16 12 8 4 4 4। ठीक है, ये हो गई मेरी के बी। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, 16 + 4 20 12 + 8 20 12 + 8 20 4 + 4 8 8 8, ये आ गया ना मेरा। ठीक है, के ए प्लस के बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर एच एस हो गया मेरा, ये हो गया एल एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर देता है। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नेगेटिव स्केलर। ठीक है, नेगेटिव स्केलर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए के एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ए हमारा मैट्रिक्स है एम इंटू एन का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए नेगेटिव स्केलर है, फिर इंटू ए है, ए मैट्रिक्स, तो वो इक्वल होगा स्केलर इंटू ए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू के इंटू नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, कुछ भी ले सकते हैं हम, 2 × 3 का 3 × 3 का, मैंने यहाँ पे है ना 2 × 3 का मैट्रिक्स लिया है, और एक स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं के इज इक्वल टू 3। तो अगर मान लीजिए हम ए को हमें लिखना है माइनस ए, तो क्या करना होता है, हमें सारा एलिमेंट को माइनस कर देना होता है, -2 -3 -1 -1 -1, ये हो गया माइनस ए, ये हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये माइनस है। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं, के इंटू ए करते हैं, के मेरा क्या है, मैंने 3 लिया है, ए मेरा क्या है 1 2 3 1 1 1, तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स को हम स्केलर क्वांटिटी 3 है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के, तो 3 × 3 3 × 1 3 3 2 6, फिर 3 × 3 9, फिर 3 × 1 3 3 × 1 3 एंड अगेन 3, ये हो गया के इंटू ए। और अगर हमें ये लिखना है, चलिए एल एच एस में लेके चलती हूँ, ठीक है, तो एल एच एस में क्या है मेरा, माइनस के इंटू ए, के इंटू ए तो मैंने लिख लिया, अब माइनस क्या लाना है, सारे एलिमेंट्स में यहाँ मान लीजिए मैंने माइनस लिखा, अगर ये बाहर माइनस लिखा है मैट्रिक्स के बाहर, तो इसका मतलब ये है कि सारा एलिमेंट्स माइनस है मेरा, तो -3 -6 -9 -3 -3 -3, दिस इज़ द एल एच एस, ये क्या हो गया हमारा एल एच एस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर एच एस को देखना है, के इंटू माइनस ए, आर एच एस क्या है मेरा, के इंटू माइनस ए। ठीक है, के मेरा 3 है इंटू माइनस ए, माइनस ए को मैंने क्या लिखा है, ए तो मैंने क्वेश्चन में लिया है, ये माइनस ए जब हमें लिखना होता है तो कोई भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस ए मैंने पहले ही लिख लिया था यहाँ पे, तो -2 -3 -1 -1 एंड अगेन -1, तो स्केलर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, -3 -6 -9 -3 -3 -3, ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई मेरी स्केलर की।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए।